हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आलोरिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स मेरे लिए इंस्पिरेशन होंगी और मेरे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो मैं आज बात करूँगी वॉमिटिंग के बारे में। सो फ्रेंड्स, वॉमिटिंग इज द फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ द स्टोमक कंटेंट्स। जब हमारी स्टोमक किसी पर्टिकुलर फूड या किसी पर्टिकुलर चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाती ड्यू टू सम इन्फेक्शन और एनी मेडिकल कंडीशन, देन ये बॉडी की एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके कारण ये एक्सपेल्ड आउट कर देती है दैट पर्टिकुलर कंटेंट्स। सो नाउ, वॉमिटिंग के क्या क्या कॉजेस हैं? वॉमिटिंग के बहुत सारे कॉजेस हैं, जैसे कि ऊंचाई से नीचे देखने से वॉमिटिंग होती है, या फिर मूविंग सिकनेस, जब ट्रैवल करते हैं कोई कार में या फिर बस में, तो तब वॉमिटिंग होने की टेंडेंसी होती है, नौजिया होती है या फिर वॉमिटिंग होती है। और है कुछ GI ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, माइग्रेन या हेडेक, रोलर कोस्टर में चढ़ने से भी किसी को वॉमिटिंग होती है, एंड इन सम मेडिकल कंडीशंस आल्सो, जैसे कि प्रेगनेंसी में या फिर कुछ एक्सीडेंट या फिर कोई ट्रॉमा या फिर हेड इंजुरी एक्सेट्रा, इन दैट कंडीशंस आल्सो वॉमिटिंग में ऑकर। और एक बात, कभी कभी ये जो वॉमिटिंग है ये बहुत ही हेल्दी एंड लाइफ सेविंग प्रोसेस मानी जाती है। किस कंडीशन में? जब कोई इंसान कुछ पर्टिकुलर पॉइजन है वो अगर इनटेक कर ले, तो इन दैट केस वॉमिटिंग या उस पेशेंट को उल्टी कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। इन दैट केस वॉमिटिंग इज़ ए लाइफ सेविंग प्रोसेस, बिकॉज टू सेव पेशेंट लाइफ वॉमिटिंग इज़ वेरी हेल्पफुल इन दैट केस। नाउ हम बात करेंगे अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस टू स्टॉप वॉमिटिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस और या फिर मेडिकल कंडीशंस में पेशेंट को डिफरेंट मेडिसिंस दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉज के किस कारण से पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है। सो वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिंस है वॉमिटिंग के लिए, लेकिन उनमें से आज मैं कुछ ऐसे कॉमन जनरल सिचुएशंस में वॉमिटिंग अगर होती है देन कुछ मेडिसिंस ऐसे बोलूँगी जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। नंबर वन है कॉक्यूलस इंडिकस। ये स्पेशली ट्रैवलिंग सिकनेस या फिर मोशन सिकनेस जिसे बोलते हैं, उस कंडीशन में ये बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे कि कोई कार बस में ट्रैवल करने से उसको उल्टी आती है, या फिर कुछ रोलर कोस्टर में कुछ मोशन जो होती है उसमें कुछ फास्ट मोशन, वो रोलर कोस्टर के जैसे कुछ चीज़ों में अगर वो चढ़ता है तो उससे उसको उल्टी आती है, देन दिस दैट कंडीशन कॉक्यूलस इंडिकस इज़ वेरी हेल्पफुल। 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार लेने से ये प्रॉब्लम बहुत ही कम होगी, लेकिन स्पेशली जब वो इंसान ट्रैवल करने जा रहा है बस में या फिर कार में, उसके पहले अगर ये मेडिसिन ये फ्रीक्वेंटली 3 टाइम्स ले ले, तो वो जब ट्रैवल करेगा उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नंबर टू है आर्सेनिकम एल्बम, 30 पोटेंसी, फूड पॉइजनिंग स्पेशली फॉर दैट केस। अगर पेशेंट कुछ खाते ही और या फिर कुछ पीने के बाद ही उसको वॉमिटिंग हो रही है, बिल्कुल स्टोमक में कुछ जाके टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा है, उल्टी हो रही है और एसिडिटी से पेट एकदम भर गया है, जलन हो रही है छाती में गले में, और उसके साथ उसको लूज स्टूल भी है, डायरिया है, देन इन दैट केस आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार इज़ वेरी हेल्पफुल। नंबर 3 है कॉल्चिकम 30। ये स्पेशली
प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए है, मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं उसके हम। जो प्रेग्नेंट औरत है वो अगर उनको किसी खाने की स्मेल से या फिर कुछ कुकिंग फूड जो पका रहे हैं किचन में उसका जो स्मेल है उससे उसको वॉमिटिंग आ रही है, नौजिया हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वो वॉमिट कर रही है, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन अगर उनको दिया जाए तो बहुत ही हेल्पफुल होगी, वो ये प्रॉब्लम से बिल्कुल बाहर आ जाएंगी। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 है इथुजा साइनपियम 30 पोटेंसी में। ये है स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए जो मिल्क बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते, दूध बिल्कुल ही नहीं खा पाते, दूध खाने के बाद ही उनको एसिडिटी हो जाता है और उसके बाद उनको उल्टियाँ आती है, और जो उल्टियाँ करते हैं वो एकदम दही की तरह गाढ़ा और सफ़ेद कलर की होती है, और उसके साथ कभी कभी जो वॉमिटिंग जो हुई उसको जो हुआ है उसका जो स्मेल है वो स्मेल बिल्कुल खट्टा खट्टा एक स्मेल आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एक सावर स्मेल होगा। इन दैट केस पेशेंट को अगर इथुजा दिया जाए 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार बहुत ही हेल्पफुल होगी। नंबर 5 है इपिकॉक 30। ये एक बहुत ही कमाल की मेडिसिन है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वॉमिटिंग पेशेंट्स। नोजिया, हमेशा जी मचल रहा है और कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है, इनडाइजेशन हो गया है या फिर फूड पॉइजनिंग ही हो गया है, कुछ भी कारण से हो उसको नौजिया हो रहा है कॉन्स्टेंटली और कुछ देर बाद वॉमिटिंग भी हो रही है, तो इन दैट केस इट इज़ वेरी इफेक्टिव एपिकॉक 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार। नंबर 5 है नग्स वॉमिका, नग्स वॉमिका 30 पोटेंसी में। ये जब पेशेंट इरेगुलर अनहेल्दी लाइफस्टाइल लीड करते हैं, रात को जगना पड़ता है, बहुत देर रात तक जगे रहते हैं, बहुत ही रिच फूड्स, बहुत ही बाहर का खाना खाते हैं और बिल्कुल अनहेल्दी लाइफस्टाइल लीड करते हैं, और उसकी वजह से उनको हमेशा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, हमेशा हेडेक होता है, इन दैट केस एंड ऑल्सो ऑलवेज फीलिंग दैट ही इफ ही वॉमिट, अगर वो वॉमिट उनको अगर उल्टी हो जाए तो वो उनको बहुत ही आराम मिलेगा। ये एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है नग्स वॉमिका पेशेंट्स के लिए। कभी कभी उनको इतना उल्टी करने का मन करता है रिलीफ पाने के लिए, वो उंगली डाल के मुंह में वो ज़बरदस्ती इंड्यूस्ड वॉमिटिंग जिसे बोलते हैं उल्टी करते हैं, तो इन दैट केस नग्स वॉमिका 30 पोटेंसी में दिन में 4 times 4 बार बहुत ही हेल्पफुल होगी, बिल्कुल आपको इस प्रॉब्लम से निकाल बाहर करेगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, सो स्टे हेल्दी एंड फिट।